बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है गाइस, आई एम इरफान हलीम, योर मैथ्स टीचर फ्रॉम पीएमएस बॉयज 6। दिस इज़ लेक्चर नंबर 21, पार्ट फर्स्ट। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास क्या कहता है, व्हेन अ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स ऑफ डिग्री एन इज ग्रेटर देन इक्वल वन इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस आर गिव्स अ कॉन्स्टेंट आर इज अ रिमाइंडर देन आर इज इक्वल पी ऑफ आर। सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि जब हम किसी पॉलिनोमियल को, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री वन से बड़ी हो और उसको हम किसी डिवाइज़र, किसी लीनियर एक्स माइनस आर, मतलब ये लीनियर हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसका आर्डर क्या है, वन है, तो लीनियर हम, तो इस तरह के किसी पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास उससे जो रिमाइंडर आता है एक कांस्टेंट नंबर, वो हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। किस तरह, फॉर एग्जांपल पी ऑफ एक्स हमारे पास, मैं कहता हूँ ये एक पॉलिनोमियल है मेरे पास और इसको मैं डिवाइड करता हूँ, मुझे डिवाइज़र दिया है कि एक्स प्लस वन से माइनस वन से इसको डिवाइड करें, तो इसको मैं लॉन्ग डिवीजन ये मेथड करता हूँ, इससे मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा इधर लास्ट में रिमाइंडर, वो मैं इससे डायरेक्ट भी फाइंड कर सकता हूँ। किस तरह, अगर मैं इस एक्स की जगह पर, इस एक्स की जगह पर मैं ये इक्वल टू ज़ीरो में ले लूँ और इस एक्स इक्वल वन में ले लूँ और इस इक्वेशन, इस पॉलिनोमियल में पुट कर दूँ, तो इससे मेरे पास जो आंसर आएगा पी ऑफ वन से मेरे पास जो आंसर आएगा वो मेरे पास क्या होगा, रिमाइंडर होगा, डायरेक्ट हम इससे फाइंड कर सकते हैं। ये इसका प्रूफ है, लेकिन ये हम नहीं करते क्योंकि पेपर में नहीं आता और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, तो लेकिन आप लोग ये देख सकते हैं, मेन आप लोग का जो चीज़ है ये आप लोग समझ ले। ये हमारे पास यहाँ पर डिविडेंड होता है, नंबर्स में आप लोग ये पढ़ चुके हैं, यहाँ पर बाहर डिवाइजर होता है, कोशंट और नीचे रिमाइंडर। अच्छा, तो हमारे पास ये डिविडेंट, ये जो है ये किसके इक्वल होता है, कि ये हमारे पास इक्वल होता है डिवाइजर और कोशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं प्लस रिमाइंडर, तो ये हमारे पास डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशन प्लस रिमाइंडर, तो ये हमारे पास इसका रिप्रेजेंट करते हैं हम पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स से, इक्वल डिवाइजर को हम एक्स माइनस आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कोशन को हम क्यू ऑफ एक्स से और रिमाइंडर को हम कैपिटल आर से। ये इसका प्रूफ है, आप लोग देख सकते हैं, आगे क्वेश्चन में हम ये यूज़ करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल अ वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल जीरो इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। एक्स की वो वैल्यू जिस पर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाए, तो उस वैल्यू एक्स की, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास ये पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, इसमें मैंने एक्स इक्वल माइनस वन पुट किया है, तो ये देखें ये माइनस वन होल स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस वन प्लस वन, ये सॉल्व करें तो एक्सपोनेंट जब इवन हो और हमारे पास बेस में नेगेटिव नंबर हो, तो ये बात याद रखिए कि हमेशा के लिए आंसर हमारे पास पॉजिटिव में आएगा, और यहाँ पर ये माइनस टू माइनस प्लस माइनस टू और प्लस वन आ जाएगा, तो हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस वन टू, टू माइनस टू से ज़ीरो आ जाएगा, सो माइनस वन इज ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, माइनस वन पर हमारे पास पी ऑफ एक्स जीरो की इक्वल हो गए, तो इसलिए माइनस वन जो है इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। फैक्टर थ्योरम हमारे पास कहता है लेट पी ऑफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल, पी ऑफ एक्स हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल अ लीनियर पॉलिनोमियल, ये देखें फिर वही उसी तरह से एक्स माइनस आर एक लीनियर पॉलिनोमियल क्योंकि इसका आर्डर वन है, इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, इस पी ऑफ एक्स का फैक्टर होगा इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ तब अगर हमारे पास ये आर जो है, इसमें ये जो आर है ये इस पी ऑफ एक्स का क्या हो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो, मतलब अगर हम इस आर को इस पी ऑफ एक्स में पुट कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाए, जीरो की इक्वल आ जाए। ये हमारे पास फैक्टर थ्योरम है, इसका प्रूफ है, लेकिन वो हम नहीं करते क्योंकि पेपर में भी नहीं आता और आगे हम आप लोगों को बता देंगे कि क्वेश्चन में हम ये किस तरह यूज करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.6 का पहला क्वेश्चन है, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स व्हेन एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस इलेवन इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। ये मैं आप लोगों के सामने इधर सॉल्व करता हूँ, तो हमारे पास सोल्यूशन में आ जाएगा लेट लेट P ऑफ x इक्वल एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स
माइनस 11, ये हमने डिवाइड करना है एक्स माइनस 1 पर। तो ये एक तो x माइनस आर वाला जो डिवाइज़र हम जनरली लेते हैं x माइनस आर लेते हैं, और इस ये डिवाइज़र हमें इधर इसका डिवाइज़र जो है इस पी ऑफ x का वो हमें दिया है x माइनस 1, तो ये हम इसके इक्वल ले लेते हैं। तो एक हम इस तरह भी सॉल्व करते हैं, लेकिन ये मेथड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है स्टूडेंट्स के लिए। तो एक हमारे पास इसका अल्टरनेटिव मेथड है जो कि हम ईजी है, वो हमारे पास ये है कि हम इस डिवाइज़र को भी सपोज कर लेते हैं x माइनस 1 इक्वल 0, और दिस इम्प्लाइज दैट इससे ये इक्वेशन में जब भी हम कोई नंबर दूसरे साइड पर शिफ्ट करते हैं तो अगर माइनस में हो तो वो प्लस में बन जाता है, और अगर प्लस में हो तो माइनस में बन जाता है। अब यहाँ पर ये माइनस 1 है तो ये प्लस 1 बन जाएगा। अब इस x की वैल्यू को मैं इस p ऑफ x में पुट करूँगा, पुट x इक्वल 1 इन p ऑफ x, तो हमारे पास आ जाएगा वी गेट p ऑफ x, तो x की जगह पर अब 1 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 1 क्यूब प्लस 6 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 8 इंटू 1 माइनस 11। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 का क्यूब 1 ही आता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, और प्लस 8 1 जा 8 आ जाएगा, माइनस 11 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस 6 1 जा 6 प्लस 8 माइनस 11। सेम साइन वाले नंबर जो हैं हम पहले ऐड कर लेते हैं और साइन वही लगता है, तो ये 14 और 15 आ जाएगा माइनस 11, और इसको हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1। अब रिमाइंडर थ्योरम में आप लोगों को मैंने बता दिया कि जब हम x की वैल्यू p ऑफ x में पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या देता है, रिमाइंडर देता है। सो सिंस हमें पता है रिमाइंडर थ्योरम से कि अगर p ऑफ r वो x की वैल्यू, मतलब ये r जो है ये कोई भी वैल्यू है x की, तो ये हमारे पास रिमाइंडर देता है। तो इसका मतलब ये p ऑफ x में मैंने 1 पुट किया था तो उसने मुझे r की जगह पर क्या दिया है, 4, मतलब रिमाइंडर, देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल 4। ये हमारे पास इसका आंसर है। तो ये हमने रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करके इसका रिमाइंडर फाइंड कर लिया है विदाउट यूजिंग परफॉर्मिंग डिवीजन। अच्छा, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने ये क्वेश्चन किया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह से है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है। लेट इसको मैंने पी ऑफ एक्स के, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसको मैंने पी ऑफ एक्स के इक्वल लिया है, और ये डिवाइज़र है इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3, तो मतलब ये इसका डिवाइज़र है। मैंने फिर वही किया, एक्स प्लस 3 को 0 के इक्वल लिया है, एक्स 3 को उधर शिफ्ट किया तो माइनस 3 बन गया। इस माइनस 3 को इस इक्वेशन 1 में पुट किया है तो हमारे पास ये आ गया है 2 इंटू माइनस 3 होल क्यूब प्लस 4 इंटू माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस 3, और माइनस 5 अपनी जगह पर आ गया है। इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस 2 इंटू माइनस 27 प्लस 4 इंटू 9 माइनस 21 माइनस 5 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करें तो माइनस 54, यहाँ पर 36 माइनस 21 माइनस 5 अपनी जगह पर आ जाएगा। अच्छा, अब हमें मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि सेम साइन वाले नंबर हम ऐड करते हैं और साइन वही लगता है, तो मैंने सिर्फ अरेंजमेंट किया है, 36 को पहले लिखा है, माइनस 54 और माइनस 25 और माइनस 5 सॉरी माइनस 21 और माइनस 5 ये तीनों साथ मिल के लिखे हैं, तो ये सेम साइन वाले हैं तो ऐड हो जाएंगे और साइन वही लगेगा। तो इससे जो आंसर आता है वो फिर हम इस माइनस प्लस 36 के साथ जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस 44। और अब हमें फिर पता है रिमाइंडर थ्योरम के जरिए कि p ऑफ r इज इक्वल कैपिटल R, मतलब रिमाइंडर के इक्वल होता है। तो इधर हमारे पास p ऑफ माइनस 3 इक्वल माइनस 44, तो ये माइनस 44 हमारे पास रिमाइंडर है। और थर्ड पार्ट जो है आप लोग ये खुद सॉल्व करेंगे, आप लोग का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन फाइंड द वैल्यू ऑफ a व्हेन 2x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3x प्लस 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 1। अच्छा, अब हमारे पास ये पॉलिनोमियल दिया है और बताया है कि ये इसका एग्जैक्टली डिवाइजर है x प्लस 1, और इसमें हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले तो हमने क्या करना है कि इस पॉलिनोमियल को p ऑफ x का नेम दिया है, लेट p ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस माइनस 3x प्लस 2, और फिर हमारे पास जो डिवाइजर है इसका x प्लस 1, वो फिर मैंने इक्वल 0 लिया है उसी तरह जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था।
अब हमने मैंने इधर x की वैल्यू फाइंड की है, तो x ये देखे प्लस वन था, उधर शिफ्ट हो गया माइनस वन आ गया है ये। अब हमने क्या करना है, इधर हमें बताया है कि a की वैल्यू फाइंड करें, और फिर दूसरा ये बताया है कि ये x प्लस वन इस p ऑफ x का एग्जैक्टली डिवाइजर है। तो अगर आप लोग मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल 15, और 15 मेरे पास एक नंबर है, और मैं कहता हूँ कि ये 5 जो है, 5 इसका एग्जैक्टली डिवाइजर है, इसका दूसरा मतलब तो ये हमारे पास, अगर ये 5 इसका एग्जैक्टली डिवाइजर है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा 15 को 5 से, तो मेरे पास 5 3 क्या आएगा 15, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है 0। 15 का 5 क्या था, एग्जैक्टली डिवाइजर था, तो इसलिए रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है सिंस x प्लस वन इज द एग्जैक्टली डिवाइजर ऑफ p ऑफ x, क्वेश्चन में ये बताया कि x प्लस वन p ऑफ x इसका एग्जैक्टली डिवाइजर है, देयरफॉर मैंने कहा है कि रिमाइंडर फिर हमारे पास 0 के इक्वल होगा। सो इफ वी पुट x इक्वल माइनस वन, अब अगर मैं इस माइनस वन की वैल्यू इस p ऑफ x में पुट करता हूँ, देन रिमाइंडर थ्योरम के जरिए से हमें पता है कि जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं p ऑफ x में, तो वो हमें क्या देता है, रिमाइंडर देता है। और दिस इम्प्लाइज दैट p ऑफ माइनस वन इज इक्वल 0, बिकॉज हियर r इज इक्वल 0, रिमाइंडर हमारे पास इधर इसमें क्या है, 0 के इक्वल है, तो इसलिए p ऑफ माइनस वन इक्वल 0 हमारे पास आ गया, r की जगह पर हमने 0 लिख लिया है। अब इस p ऑफ माइनस वन मतलब इस p ऑफ x में हमने x जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर सब पर हमने माइनस वन जो है पुट करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 × वो जो पॉलिनोमियल था उसमें हमने x की जगह पर माइनस वन की पुटिंग की है, यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं इक्वल ये 0 जो है अपनी जगह पर आ गया है। अब ये आप लोगों को मैंने बता दिया कि जब एक्सपोनेंट हमारे पास इवन नंबर हो तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव आएगा, और जब एक्सपोनेंट हमारे पास ऑड हो तो हमारे पास आंसर भी वही नेगेटिव में ही आएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक्सपोनेंट ऑड नंबर है, तो यहाँ पर माइनस वन ही आया है, माइनस ए अपनी जगह पर, फिर यहाँ पर ये इवन है तो पॉजिटिव वन आया है, और ये दोनों मल्टीप्लाई हुए माइनस माइनस प्लस 2a आ गया है, माइनस 3 आ गया है, प्लस 2 इक्वल 0। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2 यहाँ पर माइनस ए प्लस 2a आ गया, माइनस 3 प्लस 2 इक्वल 0 अपनी जगह पर, ये 2 और ये 2 ये माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गए हैं, ये माइनस ए और प्लस 2a से हमारे पास a आ गया है साइन ऑफ ग्रेटर टर्म प्लस, तो वो हम नहीं देखते हैं, और माइनस 3 और माइनस 3 को फिर हम उधर शिफ्ट करेंगे इक्वेशन से माइनस में, तो पॉजिटिव 3 आ जाएगा। ये इसका आंसर है, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3 विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी व्हेन एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस प्लस बी एक्स माइनस 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स माइनस 1। ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, यह आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों ने इसे खुद करना है, और इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन जो है हम इसके दूसरे पार्ट में आप लोगों को करेंगे। थैंक यू।